किसान कृषि बिल को निरस्त करने कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक पार्टियों ने सौंपा ज्ञापन। नारायणगंज कांग्रेस, गुड़वाना युवा शक्ति संगठन एवं सहयोगी युवा के नेतृत्व में महामहिम राष्ट्रपति के नाम माननीय तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मंडी सदस्य मुल्लू मरावी ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के साथ छल कर रही है, लॉलीपॉप दिखा दिखा कर पूंजीपतियों के जेब भरे जा रहे हैं और गरीब किसानों के जेब काटे जा रहे हैं, तो गांव-गांव जाकर किसानों को सच्चाई से अवगत कराया जाएगा और किसानों के सम्मान में उग्र अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जाएगा। कहा कि केंद्र सरकार अंबानी अदानी जैसे उद्योगपतियों की कठपुतली बन चुकी है, जैसा वो चाहेंगे देश में वैसा ही हो रहा है, जो किसानों का समर्थन नहीं करता है। कृषि मंडी सदस्य मुल्लू सिंह मरावी ने कहा कि किसान कृषि बिल किसानों के हित का बिल नहीं है, इसे केंद्र सरकार जल्द निरस्त करे और MSP के लिए नया कानून लाए, क्योंकि किसान एक फसल को लगाने में शुरू से लेकर अंतिम तक कितना खर्च लगता है और उसे उसका असली दाम कितना मिलता है, कई बार तो किसान मूल खर्च भी नहीं मिल पाता है। अब केंद्र ने कानून लाकर खुद मूल्य निर्धारण की बात कही है। मुल्लू सिंह मरावी, गुलाब सिंह परस्ते, मनमोहन सिंह, दुर्गेश सिंह और मगन सोनी, धनी परस्ते और भी बहुत सारे कार्यकर्ता मौजूद थे। देखिए आज की आवाज न्यूज से अजय सिंगरौरे की खास रिपोर्ट। ये MSP कानून के विरोध में आप जो ज्ञापन सौंप रहे हैं, ये क्या कानून है? देखिए, MSP से तात्पर्य न्यूनतम समर्थन मूल्य। मैक्सिमम सपोर्टिंग प्राइस इन इंग्लिश। मतलब किसानों का यह है कि आप हमें और कोई सहूलियत मत दीजिए, लेकिन हमारे जो मेहनत है, लागत है, उसकी कीमत दीजिए। कहने के तात्पर्य, स्वामीनाथन आयोग बैठा 2007 में, उन्होंने जब 1.5 गुना देने की बात कही, उसे भारत सरकार लागू क्यों नहीं करती? मैक्सिमम रिटेल प्राइस, तो मैक्सिमम सपोर्टिंग प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। हम ये चाहते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानून बने, चाहे हम मार्केट में बेचें, मंडी में बेचें, फुटकर व्यापारी को बेचें, एक रेट खरीदी होना चाहिए किसान के उत्पाद, सभी जगह निर्धारित निर्धारित हमारा कहना है। अभी 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी द्वारा जो घोषणा पत्र जारी हुआ था, उस घोषणा पत्र में कृषि कानून बिल था, उसमें भी यही प्रावधान थे। अब जब वह प्रावधान थे और अभी मोदी सरकार ने इस कानून को लागू कर दिया, तो कांग्रेस पार्टी उसका पुरजोर विरोध कर रही, कह रही काला कानून है। उस समय नहीं था क्या काला कानून? 219 में घोषणा पत्र में नहीं था, ये 212 में कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये बिल लाया गया था, पर उसमें जो ये कड़ाई है इसमें वो नहीं था। क्या होता है, कोई भी कानून बनाने के लिए सबसे पहले संसद में, लोकसभा में एक सिलेक्शन कमेटी होती है। सरकार जब कोई प्रस्ताव लाती है या कोई कानून बनाना चाहती है, तो सबसे पहले वो सिलेक्शन कमेटी को देती है, उस प्रस्ताव का मंथन होता है। उसमें जो सिलेक्शन कमेटी है वो मंथन करता है, उसमें जो काट छाट होता है और कुछ सुधार की जरूरत पड़ती है, उसके बाद वो सरकार को सदन में प्रस्ताव में रखा जाता है। उसमें विरोध आया जब 2012 में कांग्रेस सरकार ने इस बिल को रखा, उसमें विरोध हुआ, काट छाट हुई। यही विपक्ष जो बीजेपी में बैठी थी, बीजेपी सरकार विपक्ष में थी, इन्होंने उसका विरोध किया, उसको रोक दिया गया। लेकिन जब आज इतना विरोध हो रहा है, तो बीजेपी गवर्नमेंट जिसको पहले कांग्रेस के जमाने में, NDA के, यूपीए के जमाने में विरोध कर रहे थे, आज क्यों खुद रख रही, इस बात को समझ